हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं। अरे यार, क्या थी आगे की लाइन? तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे, और मजे में ही रहना चाहिए भाई लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग हंग, जहाँ आपको मिलते हैं मार्केट, फूड और ट्रेवल रिलेटेड वीडियो। तो आज के ब्लॉग को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात। किसी महापुरुष ने कहा है कि बदलाव का नाम है जिंदगी। अगर बदलाव से आप डर दोगे या बदलाव नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं चीजें डिसबैलेंस होती रहती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपके इस भाई ने थोड़ा सा अपने लाइफ में बदलाव किया है, वो क्या बदलाव है कि हमने अपनी लाइफ में, अपने ट्रैवल जर्नी में, एक अपने व्लॉग जर्नी में हमने क्या एक अपडेट। तो भैया हमने ले लिया है कैमरा और तो भैया पैसे लगा दिए नगद। कैमरा लेने का प्लान मेरा 2016 से चल रहा था। क्यों मैं प्लान कर रहा था कैमरा लेने का, पहले आप ये चीज़ देखो, क्योंकि मैंने एक ये चीज़ मैंने अपने एक वीडियो में बताई थी। मेरे 3000 सब्सक्राइबर जब पूरे हुए थे तो मैंने एक छोटी सी लाइन उसमें मैंने बताई थी कि मुझे कैमरा क्यों लेना था। तो ये सुनिए आप पहले। तो पढ़ाई के साथ साथ ना सबका एक पैशन होता है, तो मेरा भी पैशन था फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का। अब जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, तो चीज़ें मेरे को लेने की और इच्छा होती है, ये ले लूँ वो ले लूँ ये ले लूँ वो ले लूँ। पर लेकिन भाई साहब संभाल के, हमारे मिडिल क्लास वाले लड़के जो आप देख रहे होंगे उनमें से कम होंगे 90% लड़के हमारे जैसे, मतलब फुल टू बिंदास, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई मिडिल क्लास का लड़का है ना, तो कुछ अपने जो ड्रीम्स होते हैं या अपने गैजेट्स होते हैं, ड्रीम गैजेट्स होते हैं कि मुझे कैमरा लेना है या ड्रोन लेना है या लैपटॉप लेना है या आईफोन लेना है, तो उसके लोग बाग मेहनत भी करता है। किसी किसी की फैमिली होती है थोड़ी वेल सेटेड होती है, वो गिफ्ट कर देती है बर्थडे पे, ले बेटा आईफोन 12 ले ले, ले बेटा ये ले ले वो ले ले, तो आराम से मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन हाँ, जो लड़का खुद कमा के लेता है ना, उसकी बात ही अलग है। अपने पैसों से शौक पूरे करना ना, वो तगड़ी बात रहती है। उससे फैमिली प्राउड करती है, चलो ठीक है यार, बच्चा कमा रहा है, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो भैया जब आदमी सामान लेता है ना, ये जब छोटे हम जैसे मिडिल क्लास लड़के होते हैं सामान वामान लेते हैं, तो ऐसा होता है कि इनके साथ की जैसे कि अगर हम शर्ट ले ले तो भैया पैंट फट जाती है, पैंट ले ले तो जुराबे फट जाती है, और जब सारी चीज़ें एक साथ लेना तो बताइए फिर आपको। समझ रहे हो ना। बात तो हमने बहुत कर ली आज, ठीक है। तो अब चलते हैं कैमरा लेने के लिए। कैमरा लेने के लिए मैं गया था दिल्ली लाजपत नगर फ्यूचर फॉरवर्ड। तो कैमरा गाजियाबाद से लेके दिल्ली तक का सफ़र जो बीच में होगा, वो थोड़ी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, आपको देख के अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइक 3 2 1 एंड गो। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी मैं हूँ गाजियाबाद हिंडन मेट्रो स्टेशन पे, अपना जो ड्रीम कैमरा है वो लेने जा रहा हूँ। वो अभी हम जा रहे हैं लाजपत नगर फ्यूचर फॉरवर्ड, काफ़ी जाना माना स्टोर है दिल्ली में कैमरास के लिए। तो बाकी अब मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, ठंड बहुत है। और मेरे साथ है आज दीपक, बाकी चलो मेट्रो आती है, मेट्रो में चलते हैं, उसके बाद फिर दिल्ली पहुँच के आपको थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं दिल्ली के कैसे हो रहा है अभी कोविड के टाइम में। फाइनली इन मेट्रो, और बोला भाई ने हमारी सीट घेर ली है, सीट जमीन के और सीट घेरने में बहुत माहिर है आदमी है। तो अभी मेरे साथ है दीपक, तो ये हमें बताएंगे आज का अच्छा कैमरा कैसे ले जाता है, ये आपको भी सुनना। अच्छा कैमरा पैसों से ले जाता है। हाँ तो मेट्रो से आप उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं आगे की तरफ लाजपत नगर पे। अभी हम रिक्शा में बैठ गए हैं। बाकी भैया जी कैसा लगा आज का? बढ़िया, मज़ा आ गया। मौसम सही है ना? मौसम आज धूप निकली हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी बहुत दिन से बारिश चल रही थी, अच्छा हुआ चलो धूप निकली है, तो थोड़ा सनी डे है, सही लग रहा है। तो ये जितनी भी सारी है लाजपत नगर मार्केट है, अभी सुबह का टाइम है तो उतना रश है नहीं यहाँ पे। तो जैसे कि अगर आपको लाजपत नगर मार्केट आना हो तो आ सकते हो, पर लेकिन हाँ मास्क वास्क पहन के आ रहे तो चलान कट जाएगा, ये अपडेट है यहाँ का। फाइनली अब फ्यूचर फॉरवर्ड पर आ गए, और अभी कैमरा के लिए जो मैं ऑर्डर किया था वो अभी आ रहा है, और कौन सा कैमरा है वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बने रहो। बाकी थोड़े बहुत आपको फ्यूचर फॉरवर्ड के थोड़े लुक दिखा देंगे, यहाँ पे कौन कौन सा कैमरा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको और अच्छी डील मिल जाएगी, क्या क्या डील है वो आपको थोड़ी देर में बताता रहूँगा। बाकी आप थोड़े स्टोर के व्यू को इन्जॉय कीजिए। ये पैसे लगा दिए नगद, और कैमरा हमने सब ले लिया है, बाकी हमारे कैशियर जो कर रहे अकाउंट वगैरह।
मिलती क्या है, इसमें मिलती कैरन की तरफ से किताबें जो हमें पढ़ ली है बाद में, तो ये किताबें काम के लिए हैं, बाकी अनबॉक्सिंग बाकी वारंटी कार्ड्स वगैरह ये है। उसके बाद एक स्ट्रैप उसके बाद एक कैनन की बैटरी और ये रही हमारी रानी। तो ये है अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो भैया काहे इतना टाइम लगा रहे हैं आप, एक बार पेज को देखिए ना, वहाँ जो रील और फोटोज में अपलोड करता हूँ ना, आप उसको अगर एक बार देख लोगे ना तो ये जरूर बोलोगे कि तो अब बात करते हैं कि अगर आप बिगिनर है या कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाते हो या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, तो आपको चाहिए अगर कैमरा और आपका बजट है अगर 60,000 तो ये कैमरा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर देखो कोई भी कैमरा परफेक्ट नहीं होता, पहली बात तो ये, कोई भी इंसान कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, थोड़े बहुत खामियां उसमें होती है, तो इसमें भी है कुछ तो, पर लेकिन 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा खराब बाकी मैं इसको ख़राब नहीं बोल सकता कि इतने प्राइसेस में बहुत अच्छी क्वालिटी का ये एक कैमरा है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन ले तो मैं आपको उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका अगर बजट 60,000 है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, ये काफ़ी आपके लाइफ को लाइफ में आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने में काफ़ी ईजी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इस कैमरे को लेना चाहते हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, कोई भी शंका आपके मन में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे डीएम करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में नीचे आप मेंशन कर देना, मैं आपके सारे सवाल का जवाब आसानी से दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको कैमरा लेने तक का सफ़र अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके वीडियो को सपोर्ट करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। इसी तरह का कि ब्लॉग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और सपोर्ट बनाए रखना। और अभी तक आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो गाइस वहाँ भी फॉलो कर लो, काफ़ी इस कैमरे की फोटोज़ मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको देख के भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लॉगिंग हब, ठीक है, बाय बाय।